today we are going to start the first lesson of your subject civics. अभी क्लास फाइव में क्या था, आप लोग एसएसटी में तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स. अभी क्लास सिक्स से डिविजन हो गया है. आज हम लोग सिविक्स का पहला लेसन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज सिविक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सिविक्स. सिविक्स क्या है? सिविक्स इज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यू कैन से ड्यूटीज. किसकी राइट्स एंड ड्यूटीज? ऑफ अ सिटीजन, नागरिकों की इन सोसाइटी में नागरिक की क्या ड्यूटी है एंड क्या राइट्स है, मतलब क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, उन सबका अध्ययन सिविक्स है. दैट इज नागरिक शास्त्र इन हिंदी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेसन, इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है ना, उसे हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. ठीक है. ह्यूमन बींग्स ग्रो अप एंड फुलफिल देयर नीड्स इन सोसाइटी. ह्यूमन बींग्स, मनुष्य बढ़ते हैं और अपनी जरूरतों को सोसाइटी में पूरा करते हैं. अ मैन कैन नॉट डेवलप इवन हिज इंटेलिजेंस आफ्टर स्टेइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी. एक इंसान डेवलप नहीं कर सकता अपने इंटेलिजेंस को, बुद्धि को, आफ्टर स्टेइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग रह के. दैट मीन्स डिजर्टेड, अकेले रह के, आइसोलेशन में रह के. वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अभी नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मंगल ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड. इस पे पिक्चर बनी हुई है और ये जो बंदा है इसका नाम है मंगल. मंगल एक डिजर्टेड आइलैंड है, एक अकेले आइलैंड. वंस सम पीपल बोर्डेड अ शिप एंड वेंट ऑन अ वोयाज. एक बार कुछ लोग एक शिप में चढ़े और वोयाज लगे, वोयाज समुद्री यात्रा. आफ्टर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के बाद, when they were far into the sea, there was a huge storm. जब वो समुद्र में दूर चले गए, एक आंधी आई. The ship sank and several passengers were drowned. Ship डूब गया और बहुत से passengers डूब कर मर गए. One person whose name was Mangal survived as he knew swimming. एक इंसान मंगल बच गया क्योंकि उसे तैरना आता था. After swimming for several hours, he reached a deserted coast. काफी घंटों तक वो तैरने के बाद एक डेजर्टेड कोस्ट में पहुंच गया. He could not see any town or village. वह वहां कोई शहर और गांव नहीं देख सकता था. एक्चुअली ही वॉज ऑन एन आईलैंड इन द सी. वो एक आईलैंड में था. फॉर मंथ्स ही लिव्ड अलोन ऑन दिस डेजर्टेड आईलैंड. महीनों तक वो उस डेजर्टेड आईलैंड में रहा. विच हैड ओनली वाइल्ड फ्रूट्स, जहां सिर्फ जंगली फल थे. लिविंग अलोन ही बिकेम ऑलमोस्ट मैड. हिज क्लोथ्स वर टॉर्न. आपको किसी डेजर्टेड आइलैंड में अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑलमोस्ट वो मैड वाली कंडीशन हो जाएगी, हमारी मेंटल हालत सही नहीं रहेगी. वहां ना कुछ खाने को होगा, ना घूमने फिरने को होगा, कोई बातें करने वाला भी नहीं होगा. ही बिकेम इल, वह बीमार पड़ गया. ही वुड वॉक अलोन ऑन द बीच फॉर द होल डे. बीच बीच में वो समुद्र के किनारे वो दिन भर अकेला टहलता. After some days, a small ship passed that way. कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा ship वहां से गुजरा. मंगल was very happy when he saw the ship. मंगल बहुत खुश हो गया जब उसने जहाज को देखा. He took a pole and tied his shirt to its end and started waving. उसने एक पोल में अपने शर्ट को बांध दिया और हिलाना शुरू कर दिया. क्यों ऐसा शुरू कर दिया? उन्हें सिग्नल देने के लिए कि इस deserted island में कोई फंसा हुआ है. The passengers in that ship saw this and immediately knew that he was in danger. और वही हुआ, उस ship में जो passengers थे उन्होंने देखा और immediately वो समझ गए कि वहां कोई खतरे में है. They brought their ship towards the island and rescued Mangal. वहां पे वो अपने ship को लाए और मंगल को बचाया. Rescue, बचाव का है, बचाना किसी को. मंगल थैंक्ड ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द शिप एंड से. मंगल ने सभी पैसेंजर्स को थैंक यू बोला और कहा, नाउ आई रियलाइज, अब मुझे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन.
इंसान अकेले अकेलेपन में नहीं रह सकता. लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स. जिंदगी दूसरों के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है. इंटरडिपेंडेंस इन सोशल लाइफ. अ मैन डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, इंसान क्या है, दूसरे सेवरल ह्यूमन बीइंग्स पर डिपेंड करता है. अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, वो आपको फिलअप करना है. जैसे आप पेरेंट्स के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, टीचर के ऊपर, किन किन बातों के लिए निर्भर करते हो. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली योर नेबर्स टू हेल्प यू इन डिफरेंट वेज. आपके जो नेबर हैं वो भी आपको बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं. बार्बर, वॉशरमैन, शॉपकीपर, मिल्कमैन एंड सेवरल अदर्स हेल्प वन. बार्बर नाई, जो हमारा बाल काटता है. वॉशरमैन, वो भी जो हमारे कपड़े धोते हैं. शॉपकीपर, दुकानदार. मिल्कमैन, जो दूध देने आते हैं. और अनेक इस तरह से जो हमारी हेल्प करते हैं. In your school, the principal, teachers and other employees all cooperate in functioning of the school. We perform several activities in our families, neighborhood schools, villages and cities. We depend on each other. उसी तरह से आपके पड़ोस, जिस तरह से आपके पड़ोसी, वॉशरमैन, शॉपकीपर आपको हेल्प करते हैं, उसी तरह से आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज, जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, भैया जो बेल लगाते हैं, दीदी जो हमारे स्कूल की साफ सफाई करती है, ठीक है, वो सब लोग कोऑपरेट करते हैं स्कूल के फंक्शन में, स्कूल के कार्य में. हमारे पड़ोसी, हमारे स्कूल, हमारा गांव, हमारा शहर, ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है. दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस. यही जाना जाता है इंटरडिपेंडेंस की तरह. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. या आपको लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. सो इंटरडिपेंडेंस क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, निर्भर करना. नेक्स्ट, यहाँ पे पिक्चर में आपको दो एक्टिविटीज दी हुई है. डायग्राम के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश की गई है. अब हम इसे देखेंगे. द ओनली थिंग व्हाट विल हैपन इफ द ओनली डॉक्टर और वैद्य ऑफ योर विलेज गोज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सोचो, अगर आपके गांव का सिर्फ एक डॉक्टर है और वो कहीं बाहर चला जाता है, क्या होगा फिर? ट्रीटमेंट के लिए किसके पास जाओगे आप? नेक्स्ट, द फार्मर डज नॉट गेट लेबरर्स टू रीप द हार्वेस्ट. रीप द हार्वेस्ट, आपके फसल को काटने के लिए अगर लेबरर्स नहीं मिले फार्मर को, तो क्या होगा? द हेयर ड्रेसर स्टॉप कटिंग हेयर. अगर हेयर ड्रेसर बाल काटना बंद कर दे, व्हाट विल हैपन देन? द ब्लैकस्मिथ ऑफ योर विलेज स्टॉप्स डूइंग हिज वर्क. ब्लैकस्मिथ, लोहार. अगर लोहार आपके गांव में काम करना बंद कर दे, तो मैन स्टार्ट्स लिविंग अलोन. अगर इंसान अकेले रहने लगे तो क्या होगा? जरा सोचो. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ विलेज एंड सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. सिमिलरली द पीपल ऑफ द विलेजेस डिपेंड ऑन सिटीज एंड दोज लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन विलेजेस. जिस तरह से शहर के लोग गांव पे निर्भर करते हैं, उसी तरह से गांव के भी लोग शहर पे निर्भर करते हैं. कैसे, ये हम देखेंगे. द थिंग्स विच आर ब्राउट फ्रॉम द सिटी टू योर विलेज, इट्स नॉट जस्ट मटेरियल्स दैट आर एक्सचेंज बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज, बट देर आर अदर फैसिलिटीज टू फॉर विच विलेजेस एंड सिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर. सिर्फ मटेरियल्स ही नहीं है जो विलेज और सिटीज के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं, बट बाकी फैसिलिटीज भी है. Many doctors and hospitals are available in the cities. Therefore, people from the villages go to the cities for treatment. बहुत से डॉक्टर एंड हॉस्पिटल सिटीज में अवेलेबल है, इसके लिए गांव के लोग सिटीज में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए. Similarly, the laborers and artisans also go to the cities for work. उसी तरह से laborers and artisans, कारीगर, जो कारीगर होते हैं वो शहर जाते हैं काम की तलाश में. डिस्कस एंड राइट हाउ विलेजेस एंड सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब ये आप डिस्कस करोगे एंड लिखोगे कि कैसे सिटीज और विलेजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है.
इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन स्टेट ऑन अनदर स्टेट. विलेज एंड सिटी के बाद वी विल सी हाउ द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एनी सिंगल स्टेट डज नॉट हैव ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर इट्स पीपल. नीदर कैन ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स बी ग्रोन इन एवरी स्टेट. कोई भी सिंगल स्टेट ना, उसके पास जरूरी नहीं है कि आवश्यकता की सारी चीजें अवेलेबल हो या आपको हर तरह की फसल उपजा पाए. अलग अलग स्टेट की, जैसे आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, मिट्टी अलग होती है, क्लाइमेट अलग होता है, तो एक ही क्लाइमेट क्या सारे क्रॉप्स की फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है क्या? नहीं ना. डिफरेंट थिंग्स आर मेड इन डिफरेंट एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, एट सम प्लेस शुगर इज मेड एंड सॉल्ट इज मेड समवेयर एल्स. एग्जाम्पल के लिए, कहीं शुगर बनता है और कहीं सॉल्ट बनता है. Therefore, it is necessary to get essential items from other states. इसलिए जरूरी है कि जो essential items हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो हम दूसरे स्टेट से मंगाए. This way we see that a state also depends on other states. इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंड करता है. आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो चार्ट दिए हुए हैं. Let's try to understand these charts. From Maharashtra, let us see what are the things which Chhattisgarh is getting from other states. अब हम देखते हैं हमारा जो स्टेट छत्तीसगढ़ है ना, वो दूसरे स्टेट से क्या क्या चीजें मंगाता है. From Maharashtra, पेट्रोल, डीजल, medicines, bananas. From Gujarat, edible oil, खाद्य तेल, tobacco, salt, clothes. From Uttar Pradesh, sugar. From Kerala, coconut, spices. केरला स्पाइसेस के लिए फेमस भी है, यू मस्ट नो दैट. फ्रॉम पंजाब, बाइसिकल, व्हीट, मशीन्स, शुगर, स्पोर्ट्स गुड्स. फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वूलन क्लोथ्स, फ्रूट्स. फ्रॉम असम, टी. नेक्स्ट, थिंग्स विच आर सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू अदर स्टेट्स. अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से दूसरे स्टेट में जो चीजें बाहर भेजी जाती है. राइस, कोल, ग्राम, आयरन और स्टील, ग्राउंडनट ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कैशियो, सिल्क, लेमन ग्रास ऑयल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. वी हैव सीन दैट इट इज नॉट जस्ट द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली और विलेज दैट डिपेंड ऑन ईच अदर, बट पीपल ऑफ विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज ऑल डिपेंड ऑन वन अनदर. सो हमने देखा सिर्फ फैमिली में या गाँव में मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं. सिटीज में भी, स्टेट्स में भी, इवन कंट्रीज में भी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच ऑल हैव टू फॉलो टू लिव टुगेदर इन हार्मनी. हार्मनी सामंजस्य में, मेल मिलाप में. सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे एक दूसरे के साथ रहने के लिए. कैसे रहने के लिए? इन हार्मनी, मिलजुल कर. नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है. Every country does not have all the things it needs in sufficient quantity. प्रत्येक देश में सारी चीजें sufficient quantity में नहीं होती है. Sufficient पर्याप्त. Therefore, our India too import many things from other countries and exports many things from other countries. Do you understand the term import and export? Import जब कोई चीज बाहर से हमारी कंट्री में आता है, जिसे हम आयात कहते हैं हिंदी में, and export जब हम इंडिया से कुछ चीजों को बाहर सप्लाई करते हैं, जिसे हम हिंदी में निर्यात कहते हैं. दिस वे वी सी दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर. इस तरह से हम देखते हैं कि कंट्रीज भी, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज भी है, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है. अब लेट्स फाइंड आउट द थिंग्स विच इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट इज इम्पोर्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, defense equipments, computers, machines, sending to other countries. Export items क्या है हमारे? Rice, tea, spices, cloth or garments, minerals. So इस तरह से हमने देखा कि एक family में एक member दूसरे member पे किस तरह से dependent है. And again फिर villages and cities किस तरह से एक दूसरे पे dependent है. फिर states एक दूसरे पे कैसे dependent है. And last में नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं. सो ये चैप्टर इस तरह से यहाँ पे एंड होता है. नेक्स्ट चैप्टर वी विल डील इन आवर नेक्स्ट क्लास.